अल्लाम वेलकम बैक तो मैं अन अदर ब्लॉग्स उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ तो आज आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ तो वीडियो पे बने रहें और देखिए पहले मैं यहाँ पे चिकन को मैगनेट कर रही हूँ तो चिकन में मैं तीन चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की हूँ उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और मैं इस डब्बे में मसाला सबको फिल कर ली हूँ और देखने में कितना अच्छा लग रहा है और आसानी से जब एक खोलूँगी तो एक ही बार में सब मसाला का ढक्कन खुल जाएगा और सब मसाला एक ही साथ मैं डाल दूँगी तो मैं इस चिकन में डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर एक एक चम्मच मैं डाल रही हूँ और आधा नींबू को कट करके उसका जूस डालूँगी आप नींबू की जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं मेरे पास दही नहीं था तो मैं यहाँ पे नींबू ऐड कर रही हूँ किसी भी किसी तरह के खट्टा इसमें यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा खट्टा रहता है तो चिकन का टेस्ट अलग हो जाता है और इसको अच्छे से मिक्स करके मैगनेट होने के लिए एक से डेढ़ घंटा के लिए मैं छोड़ दूँगी जब तक मैं यहाँ पर सलाद का तैयारी कर रही हूँ ये कोई अलग कोई रेगुलर सलाद नहीं है बहुत ही अलग ही सलाद है तो इसको देखिए ये कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप देखिएगा पहले तो सबसे पहले तो खीरा का जो सामने का हिस्सा होता है उसको अच्छे से उसको काट कर देंगे और उसमें छेदा करके अच्छे से उसका जो है जो रस होता है उसको निकाल देंगे उससे जो है ना उसका तीता निकल जाता है और खीरा का इस तरह से बड़ा बड़ा स्लाइस काट लेना है उसके बाद में जैसे छिलका छिलाता है खीरा या किसी और चीज़ का तो उसी तरह से पतला पतला छिलका की तरह इसको छीलना है जितना ऊपरी पर्त जो होता है उसको छीलना है और जो नरम वाला हिस्सा होता है उसको नहीं छीलना है तो इसी तरह से आराम आराम से आपको काटते जाना है ये लच्छा जो है उसको टूटना नहीं चाहिए टूट जाएगा तो ये लच्छेदार जो सलाद मैं बना रही हूँ वो बनने नहीं पाएगा तो इसी तरह से एकदम आराम आराम से एकदम पतला पतला काटते जाना मोटा भी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा नॉर्मली इंसान इस तरह से कुछ मतलब अलग नहीं करता अपने लिए ऐसे ही अपने लिए कुछ भी काट के इसी तरह नॉर्मली बना के खा लेता है पर जो है गेस्ट के लिए सोचता है तो कुछ सोचता है कुछ ना कुछ अच्छा करके दो तो इस तरह से करके दीजिए आपका घर में भी नाम होगा और गेस्ट आपकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं तो इस तरह पूरे से छिलके की तरह छील ली हूँ और ये इस तरह एक पर एक राउंड करके घुमाना है ये ये वाला बैठ नहीं रहा था तो मैं इसको निकाल दी हूँ अच्छा से एकदम थोड़ा टाइटली जो है इसको राउंड करना है राउंड करके इसको एकदम बारीक बारीक चॉप कर देना है और वीडियो का आप कोई भी हिस्सा स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा इसीलिए पूरा देखिएगा अगर इस तरह की रेसिपी चाहिए तो।, तो इस तरह चैनल पर बने रहें और इस सलाद में जो है मैं कुछ अलग ही डालूँगी जिससे उसका लुक भी बढ़ जाएगा और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पूरा कटिंग करके इसको थोड़ा मिला देना है और मिलाने के बाद जो नरम वाला हिस्सा रखे थे उसको भी कट करके साइड साइड रख देना है और प्याज का जो है ये नर्म वाला हिस्सा रखना है और साइड का जो टाइट वाला हिस्सा होता है उसको निकाल देना है अभी मार्केट में प्याज भी जो सही नहीं आ रहा है एकदम अजीब सा आ रहा है एकदम जूसी जूसी, जूसी और उसका जड़ निकला हुआ तो आप जितना हो सके बारीक प्याज काटें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ तो थोड़ा सा जो प्याज बीच में डाल ली ऊपर से थोड़ा खीरा का जो लच्छा वाला खीरा डाल ली और थोड़ा ऊपर से जो है मैं यहाँ पे कोटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी कोटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं चाट मसाला यहाँ पे मैं अनारदाना थोड़ा सा जो इसका लुक खूबसूरत करने के लिए ऐड कर रही हूँ ये ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं चाहे तो नहीं और ऊपर से दो नींबू का सलाइस ऐड कर दी हूँ और यहाँ पे मैं जो है चावल को रेडी कर रही हूँ चावल मैं फुलने दे दूँगी उसके बाद मैं मटर जो चावल में जो जो डालूंगी वो काम मैं कर लूँगी तो मैं मटर छील रही थी तो छीलते छीलते याद है कि और भी मेरे पास काम है तो मैं अपने देवर को दे दी हूँ छीलने के लिए तो वो छील रहा है तो मैं यहाँ पे आलू की कटिंग कर रही हूँ तो मैं आलू को छील करके इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काटूँगी जो मोटा आलू रहेगा उसको तीन स्लाइसेस और जो पतला रहेगा मतलब कम मोटा रहेगा तो उसको दो स्लाइसेस में करूँगी तो यहाँ पे मैं आलू चॉप करके जो है प्याज काट लूँगी चावल और गोश्त के लिए यहाँ पे मैं आलू मटर पुलाव के लिए डिक्ची चढ़ा दी हूँ और डिक्ची में एक कप ऑयल लूँगी और इसमें जो है मैं प्याज इस तरह से कट करके डाल रही हूँ पहले से भी कट करके डाल सकते मेरा कटा हुआ नहीं था तो मैं इस तरह से कट करके साथ साथ डाल रही हूँ और इसमें कट करके डालने के बाद इसको जो है गोल्डन ब्राउन होने तक इसको लाल करना है और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको साइड करके तेल इसका पूरा निकाल करके प्याज सिर्फ निकाल लेना है मैं प्याज निकालने के बाद इसी ऑयल में मैं एक बड़ी इलायची तीन चार लौंग तीन चार छोटी इलायची डाल दी हूँ अच्छा से जो क्रैकल हो गया तो मैं इसमें चिकन के कुछ पीसेस डाल ऐड कर दी हूँ इसमें ज़्यादा नहीं कुछ पीस, पीसेस और दो चम्मच करीब इसमें अदरक लहसुन ऐड की हूँ इस प्याला में से डाली हूँ पानी थोड़ा मिलाकर तो ज़्यादा लग रहा है दो चम्मच ही था और इस तरफ मैं आलू को तो मतलब थोड़ा फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा हल्दी थोड़ा नमक डाल के अच्छे से थोड़ा सा भून कर इसको जो थोड़ा पकने दूंगी कम से कम फिफ्टी परसेंट तक ऑयल में यहाँ पकेगा आलू और इधर भी चिकन अच्छे से भुन गया था तो मैं इसमें चावल डाल दी हूँ मेरा चावल एक के जी था तो मैं इसमें दो चम्मच एकदम भर भर के मैं नमक डाली हूँ मैं यहाँ आलू में भी डाली हूँ इसी दो ही चम्मच डाली हूँ आलू फिफ्टी कुक हो गया था तो मैं इसको निकाल लूँगी और इधर में चावल भी भून रहा है और इस तरफ चावल की भुनाई भी अच्छी तरीके से हो गई है तो मेरा एक केजी चावल था तो मैं इस कितली से डेढ़ लीटर कितली डेढ़ लीटर का है तो पूरा भर के मैं पानी गर्म कर ली हूँ गर्म कर लेने से चावल का जो है कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है तो मैं पूरा उसमें डाल के चला कर उसको ढक ढक के पका ली हूँ और यहाँ पर मटर में थोड़ा सा तेल में फ्राई करके निकाल ली हूँ अच्छे से तेल को गार कर करके निकाल लेना है ऐसी ऑयल में मैं फिर चिकन बनाऊँगी ये सब जितने इंग्रेडिएंट्स है सब चावल में जाएंगे तो मैं इसको प्लेट में निकाल ली हूँ और यहाँ पे मैं चिकन बना रही हूँ चिकन को मैग्नेट हुए एक से डेढ़ घंटा हो गया है तो मैं इसमें जो है तीन प्याज को फ्राई कर रही हूँ अच्छे से लाल करना है और दो को मैं इसमें जो है पेस्ट बना के डालूँगी तो यहाँ पे फ्राई हो रहा है तो मैं इसको ढक के फ्राई करूँगी थोड़ा प्याज सॉफ़्ट हो जाए और थोड़ा गल भी जाए और इस तरफ मैं आलू जो आधा पका हुआ है आधा बाकी है तो आल पानी जो है चावल में पूरा सूख गया है तो चावल का पानी ट्वेंटी परसेंट ड्राई होना बाकी था तो मैं इसमें आलू ऐड कर दी हूँ आलू भी अच्छी तरह से पक गया है तो मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ उसके बाद फ्राई ऑनियन और ये मटर मैं डाल दूँगी और डालने के बाद थोड़ी देर पकने दूंगी अब पक जाएगा तो इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी कि इसका सारा जो है टेस्ट सब चावल में मिल जाए तो यहाँ पे चावल ऑलमोस्ट डन हो गया है सिर्फ इसको दम पे मैं दे दी हूँ और यहाँ पे प्याज जो है अच्छे तरह से लाल हो गया था तो मैं जब चिकन डाली हूँ तो दिखाने नहीं पाई हूँ वीडियो ऑफ था तो जो है मैं उसमें चिकन डाल दी हूँ अच्छे से फ्राई होने के बाद चिकन डालने के बाद थोड़ा सा जो मैं बोली थी दो प्याज को पेस्ट बना के डालूँगी तो दो प्याज मैं पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दी हूँ अच्छे से प्याले को धोधा कर इसमें डाल देना है और डालने के बाद अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि मैं मसाला कोई भी मसाला को इसको भूनी नहीं हूँ तो इसमें अच्छा खासा रॉ स्मेल रहेगा तो इसको अच्छे से भूनना है पूरा पानी ड्राई हो जाए तो आप बाद में थोड़ा पानी आपको ग्रेवी चाहिए तो डाल सकते हैं और चिकन अच्छे से भून गया था मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके और दस मिनट के लिए और पकने दूँगी और अच्छे से ग्रेवी पक जाएगा तो उसका तेल सेपरेट हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से कुक हो गया और कोई स्मेल नहीं है चिकन यहाँ पे डन हो गया है और अभी अभी बंद की हूँ और यहाँ पे मैं अपने देवर के लिए खाना निकाल रही हूँ आज मेरे हस्बैंड ने ये संडे का दिन है फिर भी उनका जो काम था इमिडेटली कॉल आ गया था ऑफिस से तो उनको जाना पड़ा है तो उनको मैं अपने देवर को दे रही हूँ खाना तो सोची मैं इतना सारा मेहनत की तो थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर दूँ तो आज मैं अपने देवर को प्लेट अच्छे से सजा कर उसको खाना दे रही हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ प्याज और थोड़ा सा जो है मटर जो है बचा के रखी थी डेकोरेशन के लिए तो मैं वो ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा बेदाना मैं ऐड कर रही हूँ ये सब ऑप्शनल अच्छा तो मैं यहीं पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद और हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज़ बाय बाय